हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आबू रोड शहर के पुलिस ने रिको कॉलोनी से एक महिला को चाकू दिखाकर चैन लूटकर भागे दो आरोपियों को महज एक घंटे में गिरफ्तार किया और लूटी गई चैन को भी बरामद किया। थाना प्रभारी छगनलाल डांगी ने बताया कि सांतपुर निवासी श्रीमती पुष्पा चौधरी ने बताया कि वह उसके घर से स्कूटी द्वारा ससुर के घर जा रही थी। मंगलवार शाम करीब 6:40 पर माउंटवे होटल के पास पहुंची। एक स्कूटी पर आ रहे दो लड़कों ने उसे रुकने का इशारा किया। इस पर उसने स्कूटी को धीरे किया। इस दौरान एक युवक ने उसकी स्कूटी को पकड़ लिया और दूसरे ने उसे चाकू दिखाया। इससे वह डर गई। इतने में दूसरे लड़के ने उसके गले में पहने हुए 1.25 तोली की चेन को खींच ली। चेन तोड़कर दोनों स्कूटी पर भाग गए। महिला को चाकू दिखाकर लूटने की वारदात को गंभीरता से लिया गया। एसपी जय यादव ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया। इस पर उप निरीक्षक छगनलाल और उनकी टीम ने मोटरसाइकिल और गाड़ी द्वारा अलग अलग दिशाओं में जाकर वारदात करने वाले आरोपियों का पीछा करना शुरू किया। आरोपियों की घटना के महज एक घंटे बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और लूटी गई चैन भी बरामद की गई। अबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।